वो झल्ली सी, वो सिंपल सी, जो थी हमारी प्यारी नैना, वो अब बन चुकी हैं बगदाद की राजकुमारी और अलादीन की यास्मीन, जिनका रियल नेम है आसिया सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अमनीत ने अलादीन क्यों छोड़ा और आशी को ये रोल क्यों मिला। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। 12 अगस्त 1997 को आगरा उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर हिंदू फैमिली में क्यूट सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसे लोग आशीष सिंह कहकर बुलाते हैं। इनका निकनेम आशी है। इनकी फैमिली में दादी, मम्मी, पापा, दो बहन और एक भाई है। अपने पापा की प्रिंसेस हैं तो मम्मी की हैं ये लाडली। आशी अपनी मम्मी से हर बात शेयर करती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आशी अपने क्रश के बारे में भी अपनी मम्मी को बता देती हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आगरा से की थी, लेकिन कुछ समय बाद इनके पापा मुंबई शिफ्ट हो गए, तो इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई से की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। शी इज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। ये बताती हैं कि अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती तो मैं सीए कर रही होती। लेकिन एक्चुअली आशी की मम्मी का सपना था कि आशी एक्ट्रेस बने, और उनकी मम्मी का सपना आशी का सपना बन चुका था। और इन्होंने मुंबई आते ही आशी ने एक्टिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और ऑडिशन देना भी स्टार्ट कर दिया था, बट इन्हें कोई रोल नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ इनका लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि तू एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन इनकी मम्मी और इनके दोस्त इन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि तू एक दिन जरूर कर दिखाएगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि आशी पूरी तरीके से हार मान चुकी थी और बोली कि मैं ऑडिशन दे देकर थक चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मेरा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर इन्हें 2015 में सीक्रेट डायरीज में छोटा सा रोल मिला। फिर ये गुमराह, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में भी कुछ एपिसोड में देखी गई। फिर इन्हें 2017 में सोनी टीवी के शो ये उन दिनों की बात है में लीड रोल का मौका मिला। इस रोल ने इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इन्होंने नैना के किरदार को इस तरह निभाया कि सबके दिलों में बस गई। ये शो सक्सेसफुली 2 साल तक चला। अब ये आपको सब टीवी के पॉपुलर शो अलादीन नाम तो सुना होगा में यास्मीन का किरदार निभाते हुए दिखेंगी। एक्चुअली अमनीत इस शो को छोड़ चुकी हैं। लास्ट ईयर अमनीत को डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा लो हो गई है, और इस कोरोना पीरियड में वो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। जिस तरह आपने अमनीत को प्यार दिया, उसी तरह आशी को भी प्यार दीजिएगा। आशी को यास्मीन का किरदार ही क्यों मिला? आशी को नैना के किरदार के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। आशी को नैना के किरदार के लिए कलाकार और IT अवार्ड भी मिला था। तो लोगों को बस यही उम्मीद है कि जैसे इनको नैना के किरदार के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उसी तरह यास्मीन के किरदार को भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। आशी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा उम्दा और नेचुरल होती है। ये जिस किरदार को करती हैं, उस किरदार को जीने लगती हैं। आशी ने 2017 में एक कैदी मूवी में छोटा सा रोल किया था। इन्होंने अभी हाल में ही तेरे नाल रहना म्यूजिक एल्बम भी किया है। तो चलिए आशी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। आशी की हाइट 5 फीट 2 इंच है। इनका फर्स्ट पे चेक 7500 था। इनका फेवरेट कलर ब्लू है। इनका फेवरेट डिश चिकन है। इनके फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर हैं। इनके फर्स्ट क्रश थे शाहरुख खान, और इनके फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह। तो चलिए ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे आशी के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा 1 लाइक। अगर कोई वीडियो डिमांड करना चाहते हैं या हमें वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुँचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।